नमस्कार दोस्तों, गुरानी लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। एंड्रॉयड डायग्नोसिस टर्मिनल बनाने के बाद में बहुत से ऐसे क्वेरीज आई हुई है सामने कि यूआरट बस ऑफ लिखा हुआ आता है और सेट कंसोल मोड पे नहीं जाता है। तो बहुत से एक्सपर्ट्स ने यूआरट ऑन ऑफ पे वीडियो डाले हैं, मेरी एप्लीकेशंस का रिव्यू दिया है और बहुत सी कमेंट भी पास की हुई है कि एप्लीकेशन यूआरट ऑफ को ऑन नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले जानकारी लेते हैं यूआरट ऑफ और ऑन क्या चीज़ हैं। तो जैसे अभी एक कम्युनिकेशन पोर्ट कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पर मैंने CH341A लगा हुआ है। बहुत से टेक्नीशियनों की रिक्वायरमेंट थी CH341A से किस तरह से काम किया जाए। तो इस इमेज में आप देखिए, हमें CH341 को TTL मोड सिलेक्ट करना होता है। जो जंपर सेटिंग दिया है उसे ट्रांसफ़र 2 और 3 नंबर पे करना है, तो हम TTL मोड एक्टिव कर सकते हैं और सीरियल कम्युनिकेशन लाइन जहाँ पर मेन बोर्ड पे दी हुई है उसके साथ में काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन में यहाँ पे कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ। पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कुछ करना होता नहीं है, ये अपने आप सिलेक्ट हो जाता है। सिर्फ अगर एक से ज़्यादा कॉम पोर्ट अगर आपके एक्टिव हैं तो आपको डेडिकेटेड जिस कॉम पोर्ट के साथ में आपने मेन बोर्ड कनेक्ट किया है उसे सिलेक्ट करना होगा। अभी मैंने सिर्फ एक ही लगाया है, ब्लूटूथ को बंद कर दिया है, तो वो मुझे सीधा 6 सिलेक्शन में आ जाता है। यहाँ पे ऑप्शंस में मुझे CRLF सिलेक्ट करना है, ये प्रोग्रामिंग जो डेवलप किया हुआ है उसके लिए इंटरनल है, और फ्लो कंट्रोल एक्स ऑन एक्स ऑफ रखना है। ये नॉर्मली एक बार सेट कर दो तो बैकग्राउंड में उसकी कॉपी लिखी जाती है और वहाँ से रीड करते हुए वो अपने आप ये सेटिंग रखता है। हमें सिर्फ कॉम पोर्ट सिलेक्ट करने की ज़रूरत रहेगी। ये होने पर हमें कौन सा प्रोसेसर लगा हुआ बोर्ड कनेक्ट किया है वो सिलेक्ट करना होता है। तो अभी यहाँ पर एक M-Star बोर्ड लगा हुआ है जिसमें UART ऑफ लिखा हुआ आता है। तो अभी जो रिव्यूज़ आए हुए हैं और जो एक्सपर्ट्स ने वीडियो डाले हुए हैं कि अगर UART बस ऑफ लिखा हुआ है तो सेट कंसोल में नहीं जाता है, तो इसे ऑन करना होगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये UART बस ऑफ और कंसोल से कोई लेना देना नहीं है। अगर उस बोर्ड ने UART से कम्युनिकेशन करना है तो इस सीरियल प्रिंट में वो पावर ऑन होने के वक्त या तो स्टैंड बाय रिलीज होने के वक्त उस बोर्ड के सॉफ्टवेयर में UART इनेबल होना चाहिए, UART डिबग इनेबल होना चाहिए, जिसकी इंफॉर्मेशन हमें सीरियल प्रिंट में मिलती है एक लाइन से। अगर हम ये सीरियल प्रिंट को देखें तो हमें ये एक लाइन लिखी हुई मिलती है। मैंने पिछले भी एक वीडियो में बताया हुआ था कि कौन सा बोर्ड कंसोल में जाएगा, कब जाएगा। अगर ये लाइन लिखी हुई आपको सीरियल प्रिंट में मिलती है तो वो बोर्ड कंसोल में जाने के लिए तैयार हैं। सॉफ्टवेयर में वो सेटिंग्स हैं जो उसे हम ऑन कर सकते हैं कुछ कमांड्स देते हुए। तो यहाँ पे नॉर्मली हर बोर्ड के लिए तरीका अलग हो सकता है, लेकिन कॉमन जो हैं वो एनी की लिखा हुआ हमें मिलता है। हिट एनी की का मतलब आप एंटर की दबा के रखते हुए कंसोल मोड में जा सकते हो, या तो डेवलपर कोई हॉट की सिलेक्ट करता है, जैसे स्पेस बार हो सकता है, एस्केप की हो सकती है, कंट्रोल सी, टैब,
वो डेवलपर के ऊपर है कि उसने कौन सा मोड या बटन हॉट की सिलेक्ट की हुई है कि वो प्रेस करते हुए कंसोल एंटर हो सकता है। तो जैसे अभी यहाँ पे यू आर बस ऑफ लिखा हुआ है और कंसोल में जाने के लिए प्रोसीजर भी रेडी है, तो क्या ये बोर्ड कंसोल में जाएगा? क्योंकि ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसकी UART लाइन्स इंटरनल ओपन है कमांड लेने के लिए। तो देखते हैं हम ये बोर्ड कंसोल में जाता है या नहीं जाता है। मैं सिंपली कंसोल बटन दबाता हूँ। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, हर बार आपके सामने आती है कि आप भूल ना जाए। कंसोल में जाने के दो तरीके हैं। पहला तो मेन बोर्ड ऑफ कर दो, फिर यस बटन दबाओ और मेन बोर्ड का पावर चालू करो। उस वक्त अगर वो कंसोल में जाने के लिए रेडी है तो वो कंसोल में जाएगा, अगर नहीं गया तो हमें फिर से कंसोल बटन दबाना है, यस बटन दबाना है और स्टैंड बाय रिलीज करना है। ये हर उस बोर्ड की, चाहे आप कोई भी टर्मिनल इस्तेमाल कर लो, आपको ये प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। तो जैसे अभी हमने ये बोर्ड ऑन कर ही दिया हुआ है, पावर ऑन दे दिया है, स्टैंड बाय में आके रुका हुआ है, तो हम स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, वो कंसोल में गया। यहाँ पे स्टॉप बटन दिया हुआ है, जैसे हम दूसरे टर्मिनल इस्तेमाल करते हैं और कंसोल में एंटर होने के बाद में वो की रिलीज़ कर देते हैं, तो वैसे यहाँ पे एक मैनुअल कमांड रखा हुआ है कि आपको लंबे टाइम तक वेट ना करना पड़े, वो क्रॉस बटन आप प्रेस करते हुए कंसोल में आप जा सकते हो। तो देखा दोस्तों, UART ऑफ और कंसोल से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से यूट्यूबर्स, टेक्नीशियंस, एक्सपर्ट्स और रिव्यूअर्स जो एप्लीकेशंस के रिव्यू देते हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं है, वो भी आधा रिव्यू देते हैं, किस काम के लिए ये चीज़ बनी हुई है, वो क्यों आता है, वो उन्हें पता होता नहीं है, फिर भी अपना रिव्यू देते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे UART बस ऑफ था तो क्या होता है? तो ये हमारा कंसोल में गया, मैं मेन स्विच फिर से बंद कर देता हूँ और फिर से बोर्ड को चालू करता हूँ। तो यहाँ पे UART बस ऑफ लिख के आया, मुझे इसे ऑन कर देना है। तो ऑन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको कंसोल में एंटर होना। अगर आप कंसोल एंटर नहीं कर पा रहे हो तो किसी भी टर्मिनल की मदद से आप UART ऑफ, जो इंटरनल कंसोल में जाने के लिए जो ऑफ मोड है, उसे ऑन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं कंसोल में जाता हूँ और जो UART ऑफ है उसे मैं ऑन करता हूँ, तो क्या इफ़ेक्ट होती है उस चीज़ की? तो मैंने ये UART कमांड दे दिया, ऑन होने पर उसने मुझे अभी दिया, क्लिक के दिया, यहाँ पे UART ऑफ नहीं आया। इसका मतलब है हमारा UART ऑन हो गया। तो उसकी क्या इफ़ेक्ट होती है? तो जैसे मैं यहाँ से स्टैंड बाय में ये सेट है, मैं उसे रिलीज़, स्टैंड बाय रिलीज़ करता हूँ, तो UART ऑफ के बाद में जो हमारा सीरियल प्रिंट रुक गया था, अब वो रुकेगा नहीं, जो इंटरनल प्रोसेस है वो सारी हमें यहाँ पे दिखाई देगी।
इसमें कोई एरर हो सकती है, कोई आपकी एप्लीकेशन प्रॉब्लम कर रही है, तो यहाँ पे वो एरर दिखाएगा। उस एरर के हिसाब से आपको आपके मेन बोर्ड को रिपेयर करना है। ये नॉर्मली मैंने लिखा हुआ है एंड्रॉयड डायग्नोसिस टर्मिनल। यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको एरर में दिखेगी, फेल दिखेगी, उस हिसाब से आपने अपने मेन बोर्ड के ऊपर काम करना है। कोई भी एप्लीकेशन रिपेयर टूल नहीं बन सकती है। अगर किसी ने गलत सॉफ्टवेयर डाल दिया हो तो दुनिया का कोई टर्मिनल नहीं है जो आपको वो गलत सॉफ्टवेयर को किसी एक कमांड से ओके करके दे दे दे। आपको उसके लिए बने हुए सेपरेट जो डिबग टूल्स हैं उसको इस्तेमाल करते हुए ही उस बोर्ड को नया सॉफ्टवेयर डालना है और बोर्ड को ओके करना है। तो यहाँ पर मैंने यूआर्ट ऑन कर दिया था, तो यहाँ पे इतनी सारी डिटेल कंटिन्यू चालू रहती है, वो कभी थमेगी नहीं। जो हमारे किसी काम की, ज़्यादा काम की भी नहीं है, काम आ सकती है लेकिन कुछ ज़्यादा काम की है नहीं। अब हमें इसे यूआर्ट ऑफ करना है, तो मेन स्विच वापस मैंने सेट को बंद कर दिया। कॉन्सोल बटन दबाते हुए मैं फिर से कॉन्सोल एंटर होऊंगा और यहाँ पर जो यूआर्ट ऑफ है उसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, अगर किसी में इंटरनल डिबग लाइन इस बटन से अगर एक्टिव हो जाती है तो आपको एक्सटर्नल सोर्सेस की मदद से ही वापस कॉन्सोल एंटर करना होगा। हमारा कमांड ओके लगा, अब वो यूआर्ट बस ऑफ पे जाके अटका, स्टैंड बाय में रुका हुआ है। मैं उसे फिर से ऑन करता हूँ तो यूआर्ट बस पे जाके रुक जाएगा और आगे की प्रोसीजर हमें नहीं दिखाई देगी। ये है सही जानकारी, यूआर्ट बस ऑफ क्या चीज़ है। उसे न तो कॉन्सोल में को लिए कुछ लेना देना है, अगर यूआर्ट बस ऑफ लिखा है और आपके पास में हिट एनी की वाला ऑप्शन सीरियल प्रिंट में दिख रहा है तो वही बोर्ड कॉन्सोल में जा सकता है। अगर कॉन्सोल में नहीं गया तो आप कमांड किस तरह से दोगे? ये एप्लीकेशन मेन मेरी जो बनी हुई है वो रिकवर करने के लिए, क्या होता है आज के दिनों में, हर वो एंड्रॉयड टीवी यूज़र इंटरनेट से अपना सेट कनेक्ट करते हुए YouTube सर्च करता है, Netflix, Prime, अलग अलग बहुत से ऑनलाइन चैनल्स देखता है, तो इंटरनल जो मेमोरी है उसे काम करने के लिए वो भरती जाती है, उसको काम करने के लिए स्पेस नहीं मिलती है कुछ दूसरा डाटा डाउनलोड करने के लिए स्पेस कम गिरती है, तो वहाँ पे वो हैंग हो जाता है। तो नॉर्मली हर वो टर्मिनल्स आपको सिर्फ एक ही काम के लिए आ सकते हैं कि जो ओरिजिनली हैंग्ड बोर्ड हैं, गलत सॉफ्टवेयर ना अपडेट किया हुआ हो, कोई हार्डवेयर एरर ना हो, तो उन बोर्डों को आप सिंगल एक बटन क्लिक से वापस रिकवर कर सकते हो। उसके मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल ही दिए हैं और ये इन बटनों को एक अलग कलर देके रखा हुआ है कि आपको इस टर्मिनल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हैं वो ये दो बटन्स हैं और दूसरे बटन्स जैसे बहुत सी जानकारी यहाँ पे आपको चेक कर सकते हो, बिन फाइल पार्टीशन, EMC इंफॉर्मेशन, या आप अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल करते हुए इसमें आप काम कर सकते हो डायग्नोसिस का।
धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें गुरानी लर्निंग सेंटर के साथ में। जय हिंद, जय भारत।